हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हैं आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज। इससे पहले हमने उसके रिगार्डिंग मोस्ट जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी वो सभी हमने कवर कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए एंड बी वर वैल्यूड एज फॉलोस। जब पार्टनर सी का एडमिशन हुआ था फर्म के अंदर तो उस टाइम ए एंड बी की लायबिलिटी एंड एसेट्स कुछ इस प्रकार से थे, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन में सभी एंट्री एक साथ रखी होगी और आपको आंसर में सबके लिए जनरल एक साथ बनाना होगा। लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने एक एक एंट्री को अलग से लिख दिया ताकि आपको सभी एंट्री अच्छे से समझ में आए कि आपको किस प्रकार से एंट्री करनी है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में एक साथ ही बनानी है, ठीक है, अलग अलग नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन में सभी एंट्रीज एक साथ दे रखी होंगी और उनकी आपको जनरल एक बार में बनानी है। तो सबसे फर्स्ट हमारे देखिए, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% वाज मेड ऑन सन्डे डेटर्स। संडे डेटर्स के 50,000 आपको क्या करना है, संडे डेटर्स के लिए एक प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है। अब आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो फर्म के लिए क्या है, ये एक प्रकार का लॉस है। जब आप डेटर्स आपके डाउटफुल डेट्स में जा रहे हैं कि आपको डूबने का डर है कि आपके डेटर डूब सकते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये फर्म के लिए क्या है बेटा, लॉस है। तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको शॉर्ट में बिल्कुल नहीं लिखना है। 50,000 हमारे सन्डे डेटर्स है, इसका आपको 10% लेना है, तो कितना आ जाएगी अमाउंट, 5,000 and 5,000, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। सेकेंड केस देखिए क्या देखा है, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय ₹5,000, यानी कि आपके क्रेडिटर्स थे, अब आपको उनकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको पे नहीं करना है। इट मीन्स क्या होगा, आपकी लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और क्रेडिटर्स को हमें क्या करना है, कम करना है। क्रेडिटर्स को कम करेंगे तो क्रेडिटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने अमाउंट से बेटा, 5,000 and 5,000, ठीक है। आई सेकेंड एंट्री समझ में। थर्ड देखिए, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग आपकी क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है, बढ़ गई है, कितने से, 20% से। बुक वैल्यू थी आपके 2 लाख, उसका 20% इंक्रीज हो गया। 2 लाख का 20% कितना होता है, 40,000 होता है, यानी कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो क्या हुआ हमें, प्रॉफिट हुआ है। तो एसेट्स बढ़ गए तो एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, कितने अमाउंट से, 40,000 and 40,000, ठीक है। तीनों एंट्रीज आ गई आपको अब तक समझ में, जितनी अभी तीनों एंट्रीज करी है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी, केस नंबर 3, आ प्रोविजन ऑफ ₹2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। देखिए जब आप बुक का, जब सी ने एडमिट किया उस टाइम अपनी बुक्स देख रहे थे ए एंड बी, तो उसमें क्या क्या कि जो रिपेयर्स है उसके लिए हमारा 2,000 का बिल्स क्या हो गया, पेंडिंग है, अब आपको वो पे करना है, यानी कि लाइबिलिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, तो अब फर्म के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारा, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर रिपेयर्स, कितनी अमाउंट है, 2,000 and 2,000, ठीक है। आई एंट्री समझ में। नेक्स्ट करिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर्स वाज ₹3,000। आपकी एक लायबिलिटी है सप्लायर्स के रिगार्डिंग, आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया, उसको आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है तो 3,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कितनी अमाउंट से, 3,000 and 3,000। आया तक समझ में। आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट अपीयर एट ₹80,000, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट थी जिसकी हम एक एंट्री करते हैं, इसमें दो एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री करते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट थी हमारी 80,000 की, 80,000 का हाफ किसने ले लिया, एक्स एंड वाई ने,
80,000 का हाफ किसने ले लिया? एक्स एंड वाई ने। यहाँ पे हम ए एंड बी लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई लिख लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ए एंड बी है तो आप ए बी भी लिख सकते हैं, आप ए बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 80,000 का हाफ किसने ले लिया? ए एंड बी ने ले लिया। जब भी पार्टनर फर्म से कुछ लेता है उसको पेमेंट करेगा, तो फर्म जो पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल कितनी लिए है बेटा उन्होंने? हाफ इन्वेस्टमेंट लिए, तो 80,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। उनकी रेशियो क्या रहेगी? 1:1, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बुक वैल्यू लिखा हुआ है, तो हम 1:1 मान लेते हैं। तो 20,000 ए ने ले ली एंड 20,000 बी ने ले ली। क्या ले ली? इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट लिख देंगे कितने से? 40,000 से। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी हो गई है। सेकेंड एंट्री अब देखिए क्या बोला इसमें, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट रुपीज 50,000। अब रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई? 40,000 ए एंड बी ने ले ली, रिमेनिंग कितनी बची हमारी? 40,000। अब हमने उसकी बैक वैल्यू बुक वैल्यू निकाली तो कितने की हो गई? 50,000 की। इट मीन्स कि हमारे 10,000 की क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई। तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्या इंक्रीज हो रहा है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। रिवैल्युएशन में क्या चला जाएगा? प्रॉफिट टू रिवैल्युएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 10,000 एंड 10,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मशीनरी हूज बुक वैल्यू इज रुपीज 2 लाख इज एक्सेस बाय 33 एंड 1/3%। यानी कि जो हमारी जो बुक मशीनरी है वो 2 लाख है, इसके अंदर बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं? 35.5 बोलते हैं, 35.5% ये क्या है? एक्सेस है। यानी कि 100% इसको होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? 100 + 33/1/3 + ये ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी कि 33 एंड 1/3 क्या है? एक्सेस है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम ये मान लेंगे, यानी कि जो मशीनरी का हमने मान लिया एक्स, ये कितनी एक्सेस है मशीनरी का, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 33, यानी कि 1/3% इज इक्वल टू 2 लाख है। इसको अभी सोल्व करना है। अब 33/1/3 को पहले बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 99 + 1 100/3 आ जाएगा, 100/3% हो गया। अब परसेंट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यानी कि इसको आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ, 100 से 100 कैंसिल, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, x में हमने क्या प्लस किया है? x की वैल्यू को प्लस किया 1/3, जो एक्सेस है 2 लाख है वो टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर मैथ का क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, आप इसको सोल्व कर लेना, तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,50,000, ठीक है। यानी कि जो ये मशीनरी है इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1,50,000 इसकी वैल्यू है, लेकिन ये कितनी है? 2 लाख है हमारी एक्सेस करके। यानी कि 50,000 हमें क्या करनी है? मशीनरी कम करनी है। तो मशीनरी कम करेंगे तो मशीनरी क्या हो जाएगी हमारी? क्रेडिट हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इससे रिवैल्युएशन से रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 50,000 एंड 50,000, ठीक है। आई सभी एंट्री आपको समझ में? एक एक करके हमने सारी एंट्रीज कर ली है। अब इसके बाद हमारी फाइनल एक जर्नल एंट्री बनती है, कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री बनानी होगी तो उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? रिवैल्युएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना पड़ता है, या तो फिर आप क्या करेंगे इसके साथ साथ वर्किंग नोट में रिवैल्युएशन अकाउंट बनाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको रिवैल्युएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स में फाइंड कर लेंगे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ठीक है। तो एंट्रीज भी हम देखते हुए चलते हैं कि जहां पर पहले हम देख लेते हैं रिवैल्युएशन में लॉस कितना होगा। तो जहां जहां पर रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट होगा वो क्या होगा हमारा? लॉस होगा 5,000, ये हमारा लॉस है। फिर यहाँ पर रिवैल्युएशन क्या होगा बेटा? क्रेडिट 3 है हमारा, प्रॉफिट है, ठीक है। आप साथ ही साथ कट भी कर सकते, देखिए 5,000 का प्रॉफिट, 5,000 का लॉस, 5,000 का प्रॉफिट, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 5,000 से कैंसिल। आगे देखिए यहाँ पर रिवैल्युएशन हमारा क्या है? क्रेडिट, यानी कि 40,000 को हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 40,000 का, ठीक है। यहाँ पर रिवैल्युएशन अकाउंट हमारा क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। लॉस हुआ है हमें 2,000 का। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री में, यहाँ पर हमारा रिवैल्युएशन अकाउंट फिर से क्या हुआ? डेबिट हुआ है, तो प्लस कर देंगे 3,000 यहाँ पर लॉस में। फिर नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, इसमें रिवैल्युएशन के हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें प्लस कर देंगे कितना? 10,000 का। फिर लास्ट एंट्री में देखिए हमारा इसमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है कितने का? 50,000 का, प्लस इसमें कर देंगे 50,000।
अगर आप बेटा ये लिखना चाहो तो इसमें भी लिख सकते हैं, इसी में ऐड करके 5000 इसमें प्लस कर देंगे और 5000 इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा कितने का, 60000 का लॉस है, 60 का प्रॉफिट है हमारा 55000 का, कितने का है 55000 का प्रॉफिट है, यानी कि ओवरऑल हमें क्या हो गया, लॉस हो गया कितने का 5000 का हमें लॉस हुआ है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री आप क्या करेंगे, जब आपको लॉस हुआ है 5000 का तो जब पार्टनर्स आपस में इसको बांटेंगे तो किस में बांटेंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि सीधे एडमिशन के टाइम पे तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन ही है 1:1 हम इसको मान सकते हैं। तो एनबी का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंट्री यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नहीं सॉरी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्युएशन, किसका लॉस है बेटा, रिवैल्युएशन का लॉस है, 2500 ए ले लेगा लॉस एंड 2500 को हम बेयर करेगा बी, टोटल हो जाएगा हमारा 5000। आप रिवैल्युएशन अकाउंट बना के देखना उसमें आपका लॉस कितना आएगा, 5000 रुपीज का ही आपका क्या आएगा, लॉस आएगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर इससे कोई चेंज में अगर आपका लॉस या प्रॉफिट आता है तो, लेकिन आएगा आपका 5000 ही। तो ये थी आज की हमारी जर्नल एंट्री, कल इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम रिवैल्युएशन अकाउंट भी बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।